और अयोध्या को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए प्रशासन की ओर से कोशिशें जारी हैं। जिले में तंबाकू से होने वाले नुकसान से लोगों को जागरूक करने के लिए बकायदा तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ बनाया गया है, जो गांव-गांव जाकर लोगों में जागरूकता फैला रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो हैरतअंगेज करने वाली है। ये तस्वीर धर्मनगरी अयोध्या की है, जहां सरेआम लोग तमाकू खा रहे हैं। हर साल तमाकू और धूम्रपान से लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। दुनिया भर के तमाकू का इस्तेमाल अकाल मृत्यु और बीमारी का प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1 अरब लोग धूम्रपान और तमाकू का सेवन करते हैं, जिनमें से आधे प्रतिशत लोगों की सामान्य उम्र से पहले मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। 60 लाख लोग हर साल तंबाकू के सेवन से मर रहे हैं। गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है कि अगर अस्पताल में जाओ थूकोगे तो तुम्हारे पर वो हो जाएगा, जुर्माना होगा। सड़क पे जाओगे तो वहाँ जगह देख लेंगे तो भी जुर्माना कर लेंगे। इसके बावजूद भी लोग जो है तंबाकू का नशा नहीं छोड़ना है, और जिससे तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। कैंसर हो जा रहा है लोगों को, फेफड़ा खराब हो जा रहा है लोगों का, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं समझते। हम तो सरकार से चाहते हैं कि एक जो विज्ञापन चलता है टीवी पे या चैनलों पे या आपके अखबारों में निकल रहा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस पे चाहिए कि काफ़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत वैश्विक स्तर पर दहन आधारित तंबाकू उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और तंबाकू से संबंधित बीमारी के कारण प्रतिवर्ष 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। भारी भरकम कर लगाए जाने, कड़ी चेतावनी वाले लेबल लगाए जाने के बावजूद तंबाकू के उपयोग में गिरावट नहीं देखी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत दुनिया के 12% धूम्रपान करने वालों का घर है। हर साल तंबाकू के सेवन के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तंबाकू का सेवन करने से कई तरह के घातक रोग हो जाते हैं, जिस कारण लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। फेफड़े, गले, पेट और मूत्राशय के कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने नोडल ऑफिसर से बात की तो उन्होंने जिलों के अंतर्गत चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में अवगत कराया। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि भारत में 16 साल से कम उम्र के 24% बच्चों ने पिछले कुछ समय में तंबाकू का इस्तेमाल किया है, और 14% लोग अभी भी तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।